घटना चूरू जिले के सरदार शहर की है। शनिवार 10 सितंबर की सुबह 7 बजे शहर के वार्ड 21 के पास एक कोबरा सांप दिखाई दिया। सांप दिखते ही लोगों ने स्नेक एक्सपर्ट विनोद तिवारी को फोन किया और बुलाया। विनोद सांप को रेस्क्यू करने पहुंचे, उन्होंने कोबरा को पकड़ा और अपने बैग में डाल दिया। इसी दौरान सांप ने विनोद की उंगली पर काट लिया। सांप के दांत लगने का एहसास हुआ, विनोद खड़े हुए, सांप का झोला रखा और कुछ कदम चलते ही बेहोश हो गए। कुछ मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।